भूख है, सपने को पाने के लिए समझदार नहीं, सपने को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। नमस्कार मित्रों, राधे राधे, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल DMR राशिफल में। मित्रों आज हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों का 21 अगस्त दिन कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीज़ों से सावधान रहना होगा और तुला राशि वाले लोगों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मित्रों आज हम इस वीडियो में हम बताएंगे तुला राशि वाले लोगों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मित्रों आज हम इस वीडियो में हम आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। मित्रों आपकी भी तुला राशि है तो वीडियो को पूरा देखें। मित्रों आज का दिन शनिवार है, शनिदेव महाराज का दिन है, शनिदेव महाराज की पूजा अर्चना करें मित्रों और कमेंट में जय शनिदेव महाराज लिखें। शनिदेव महाराज आप सभी की सभी मनोकामना पूरा करेंगे। मित्रों वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मित्रों अब बात करते हैं आज की चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। आज आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि इंसान को कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जब तक इंसान साहस नहीं दिखाता तब तक वह जीवन की रेस जीत हासिल करने में मुश्किलें होती हैं। और आचार्य चाणक्य जी कहते हैं इंसानों को राशि और भाग्य की बजाय अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए और भाग्य के बजाय। चाणक्य जी आगे कहते हैं कि राम और रावण दोनों ही एक ही राशि के थे, लेकिन उन्हें परिणाम उनके कर्मों के हिसाब से मिला। और आचार्य चाणक्य जी के मुताबिक किसी इंसान को खराब समय में उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। और आचार्य चाणक्य जी बताते हैं कि कोयला भी धीरे धीरे हीरे में बदल जाता है। वही चाणक्य जी ये कहते हैं कि कामयाब जीवन व्यतीत की चाहत रखने वाले व्यक्ति को बहरा हो जाना चाहिए और संसार की किसी भी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए जिससे उसका मनोबल नीचे हो। कुछ न कुछ करने वाले व्यक्ति मनोबल गिराने का काम करते हैं। चाणक्य जी कहते हैं किसी भी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए और इंसानों को खुद की एक तुलना की करनी चाहिए, क्योंकि समय समय पर अलग होता है। ठीक वैसे ही सूर्य और चंद्रमा समय पर चमकते हैं। मित्रों यही था आज की चाणक्य नीति का ज्ञान। पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। अब बात करते हैं आज के पाचांग के बारे में। पाचांग 21 अगस्त दिन चल रहा है, शनिवार तिथि चल रही है, चतुर्दशी नक्षत्र चल रहा है, श्रवण ऋतु चल रहा है, वर्षा पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष। आज सूर्योदय होगा 6:12 पर और सूर्यास्त होगा 7:02 पर। आज का शुभ समय 8:16 से 9:48 तक। आज का अशुभ समय 12:26 से 1:42 तक। आज तुला राशि वाले लोगों की भाग्यशाली संख्या 2 है और भाग्यशाली दिशा उत्तर है और भाग्यशाली रंग ग्रे है। मित्रों अब बात करते हैं आज के संपूर्ण राशिफल के बारे में। राशि उद्योग में नए वातावरण बेहतर होंगे, काम में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, अनावश्यक फिजूल खर्च करने में बचत होगी और स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आवश्यकता से अधिक रिश्तेदारों से साथ अनावश्यक व्यवहार करने से बचें। और कुछ जीवन के बारे में आपके अतीत से रिश्ते आपके संपर्क में आएंगे जिससे आज का दिन आपका यादगार दिन बन जाएगा और आप अपने जीवन साथी के साथ एक अपनी अतरंग भावनाओं को साझा करने के लिए आज बढ़िया दिन रहेगा और आज उत्तम रहेगा। आज आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, कार्य क्षेत्रों में आज परिवर्तन होगा और लाभ मिलेगा, व्यापार में समझदारी में लाभ रहेगा और आज अचानक से कोई शुभ सूचना मिलने की प्रकोप रहेंगे। आज किसी मित्र से मुलाकात होगी, भविष्य की चिंता रहेगी, लेकिन प्रियजनों के सहयोग से मिलने काफ़ी मदद राह महसूस करेंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ सहयोग उत्पन्न होगा और आप अपने कार्यस्थल बेहतर माहौल होगा। आज व्यवसाय के स्थित करने में काम उत्पन्न होंगे और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य घुटने में दर्द एड़ियां संबंधित महसूस करेंगे, सुबह से आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। फ़ोन के जरिए आपको आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे और उत्तम रहेगा। कार्य में विशेष लाभ होगा और आप अपनी नई पहचान बनाएंगे। पारिवारिक किसी स्थल पर कार्य करने को सोच सकते हैं और आज ध्यान रखें कि उत्तम रहेगा और व्यापार में लाभ होगा। संतुष्ट दृष्टिकोण से अच्छा समय, कमाई के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी और संबंध स्थापित उत्तम रहेंगे। तुला राशि वाले लोगों का दिनमान अच्छा रहेगा और उत्तम रहेगा। आज बिजनेस में लाभ मिलेगा, कंस्ट्रक्शन का काम करवा सकते हैं, आपको मजाकी शैली आपको पसंद आएगी, खर्चों में बढ़ोतरी होगी, इनकम ठीक ठाक रहेगी और आपके प्रेम के दिल में जगह बनाएंगे। काम के सिलसिले में
दिन मान अच्छा रहेगा और काम उत्तम होंगे। बीच बीच में पारिवारिक बैलेंस बनाते रहेंगे और उत्तम रहेगा। जीवन साथी के साथ सहयोग उत्पन्न होंगे और वरिष्ठ लाभ होगा उत्पन्न होगा। और आज आप कार्यों पर दौड़ी करेंगे, आय में नए स्रोत मिलेंगे। किसी व्यवस्थित और परिजनों के साथ आपको तरीके से सफलता मिलने की संभावना रहेगी और उत्पन्न रहेगा। कार्य व्यवहार में जुड़े कार्यों में मंदी होगी और उत्तम रहेगा। प्राप्त होंगे, आज आपको पूरी तरीके से सफलताएं भी प्राप्त होंगी। आज का दिन अनुकूल रहेगा, काम में देरियां हो सकती हैं और पारिवारिक वरिष्ठ जनों का लाभ होगा। आज उत्तम रहेंगे और कार्यों में व्यवहार विकसील बनाए रखें। आप बड़ी बहन से उपहार प्राप्त होगा, दूसरों का ख्याल रखेंगे और जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे। ढीले पड़े रिश्तों में उत्तम रह जाएगा, बेवजह किसी पर खर्च न करें और परहेज करना होगा और उत्तम रहेगा। आपको आपके बेहतर व्यर्थ में भागदौड़ करनी पड़ेगी। कुछ सामाजिक समय में व्यतीत होगा और आय में नए साधन बनेंगे। व्यवसाय विकसील रहेगा, आपके विशेष कार्य पूर्ण होंगे। दुर्गा माता की रहकर पूजा अर्चना करें और बुजुर्ग की महिलाओं के साथ सावधान रहेंगे और आजनिक कार्यविश परवेश उत्पन्न होंगे और कामों में अच्छी शिकायतें दूर करनी होंगी। उन्हें पूरा समय दें, बाहर किसी नौकरी के अवसर उत्पन्न होंगे और आप अपनी सफलताओं को उत्पन्न करेंगे और आपके कामों में समस्याएं और संबंधित स्थापित फोकस करना होगा। और पारिवारिक स्वास्थ्य को लेकर खासतौर पर महिलाएं इसके लिए सावधान रहेंगी और कोशिश करें कि निष्पक्ष निर्णय लें। काम में कम जिम्मेदारियाँ उत्पन्न होंगी और स्वास्थ्य अनुभव होगा, पुराना अनुभव फायदेमंद होंगे। इसके लिए कार्य उत्तम रहेगा, व्यवहार में विकसील बनाए रखें, वाणी में मधुरता आएगी। करियर फोकर फिराज बिलाल ग्रह की स्थिति अच्छे मुनाफे का इशारा करेगी और उत्तम रहेंगे आपके कार्य उत्तम। और आज का दिन आर्थिक हालात सुधारने की प्लानिंग करनी होगी और कुछ कारोबार कर रही हैं तो बिक्री बढ़ाने के नए प्लान देखेंगे। व्यवहार विकसील रहेंगे, वाणी पर उत्तम बनाए रखें। मोबाइल पर बात करना या संगीत सुनने में हादसा व्यय महसूस होगा। कार्य और व्यवसाय विकसील महा संभावना उत्पन्न होगी और आपके कार्य उत्तम होंगे। छोटी छोटी स्थितियां उत्पन्न होंगी और कुछ आर्थिक लाभ मिलेगा। आर्थिक अधिक से अधिक लोगों के संपर्क में आएंगे, जिससे आज का दिन यादगार दिन बन जाएगा और फायदेमंद होगा, इसका लाभ होगा। और आज आप अपने उत्तम कार्य होंगे, लोगों के फायदे होंगे, व्यवहार विकसील होगा, वाणी पर मधुरता आएगी, आपके फायदे उत्पन्न होंगे। आज का दिन किसी लंबी ट्रैवलिंग का साकेत करेंगे, इससे मानसिक शांति मिलेगी। मित्रों, यही था आज की राशि का राशिफल। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।